हेलो बच्चों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ क्लास सिक्स का चैप्टर गेटिंग टू नो प्लांट, जिसमें मैं आपको इनके क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी और डिफरेंट पार्ट्स जैसे रूट शूट लीव्स फ्लावर्स और उनके पार्ट्स, इन सब के बारे में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन इसमें साइज के अकॉर्डिंग किया गया है। तो साइज के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया गया है तो सबसे छोटे प्लांट्स जो होते हैं उनको हम हर्ब्स बोलते हैं। इनका स्टेम बहुत डेलिकेट होता है और इनका लाइफ साइकिल जो होता है 1 to 2 सीजन्स तक का होता है। इसके एग्जांपल्स हैं मिंट, स्पिनेच, कोरिएंडर एटसेट्रा। देन सेकेंड पार्ट इज श्रब्स। ये मीडियम साइज प्लांट्स होते हैं। इनका स्टेम जो होता है वुडी होता है। इनमें बहुत सारी ब्रांचेस अराइज हो रही होती हैं और इनके एग्जांपल्स हैं तुलसी, रोज, बोगेनविला एटसेट्रा। ओके, देन सबसे बड़े प्लांट्स आते हैं आपके ट्रीज। ट्रीज क्या होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा टॉल होते हैं, बिग साइज के होते हैं। इनका स्टेम जो होता है वो बहुत ही थिक और वुडी होता है और इनकी जो लाइफ होती है मैनी ईयर्स की होती है। इनके एग्जांपल्स नीम, पीपल, बैनियन, गुआवा, मैंगो एटसेट्रा। फोर्थ पार्ट इज क्रीपर्स और क्लाइंबर्स। ये क्रीपर्स और क्लाइंबर्स जो इनके स्टेम होते हैं वो बहुत ही डेलिकेट होते हैं, वो स्टैंड नहीं कर सकते ऊपर की तरफ। तो इनमें क्या होता है, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके बिहाफ पे ये ऊपर की तरफ राइज कर पाते हैं या कह सकते हैं कि लैंड पे क्रीप कर पाते हैं। जैसे मेरे पास कुछ प्लांट्स हैं, देखिएगा, ये देखिए, ये दो क्रीपर्स मैंने कलेक्ट किए हैं। ये दोनों ही क्लाइंबर्स हैं एक्चुअली। ये देखिए, इसका स्टेम कैसा है, स्पाइरल शेप्ड है। स्पाइरल शेप्ड है जिसकी वजह से क्या होता है, ये स्टेम पे लिपट जाता है। और ये देखिए, ये क्या है, इसमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं, देख रहे हैं, ये इनको टेंड्रिल्स बोलते हैं। इन्हीं टेंड्रिल्स के थ्रू ये जो है किसी भी जो सपोर्ट के ऊपर चढ़ जाते हैं इजिली और जो है इनको इसका सपोर्ट मिल जाता है। बच्चों, अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट में इसमें दो सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। ऊपर का पार्ट जो जितना भी है वो कहलाता है शूट सिस्टम और नीचे जो सॉइल के अंदर का पार्ट होता है वो कहलाता है रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम तो आप देख रहे हैं कि मेन, एक मेन रूट है और उससे सेकेंडरी ब्रांचेस निकली हुई हैं। तो मेन रूट आपकी टैप रूट हो गई और उससे जो सेकेंडरी ब्रांचेस निकलती हैं उनको हम लेटरल रूट्स बोलते हैं। देन हम लोग आ जाते हैं शूट सिस्टम पे। तो शूट सिस्टम में क्या होता है कि आपकी लीव्स होती हैं, सबसे पहले लीव, और लीव जिस स्ट्रक्चर के ऊपर स्टैंड हो रही है वो कहलाता है आपका पेटियोल। ये आपका पेटियोल हो गया। जिस जगह से ये लीव निकली हुई है दैट इज कॉल्ड नोड। और यहीं पे एक ग्रीन कलर की आउटग्रोथ होती है, ये देख रहे हैं आप, ये ग्रीन कलर की आउटग्रोथ आपको दिख रही है, ये कहलाती है आपकी ऑक्सिलरी बड। दिख रही है, ये कहलाती है आपकी ऑक्सिलरी बड। और जिस जगह से ये लीफ निकली हुई है इसको हम नोड बोलते हैं। ये आपका नोड हो गया, ये आपका नोड हो गया, ये आपका नोड हो गया। ऐसे ही नोड्स पे ये लीफ निकली हुई है, हर जगह पे नहीं निकली हुई है। आप देख रहे हैं, ये नोड्स पे ही आपकी लीफ अराइज होती हुई दिख रही है और ये दो नोड्स के बीच का जो स्पेस है ये कहलाता है इंटर नोड। ओके, देन ये फ्लावर हो गया और यही फ्लावर बाद में जब ग्रो करता है तो ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है और इसी के अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं। देन ये आपका ऊपर का पार्ट जहां से ये प्लांट ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है ये कहलाता है आपका टर्मिनल बड। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। देन वी कम टू द, बच्चों अब हम स्टडी करेंगे रूट सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम फंक्शन ऑफ रूट को जानते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है कि ये प्लांट को फर्मली सॉइल में होल्ड करके रखते हैं, ठीक है, और दे अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। ये सॉइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं रॉ मटेरियल के फॉर्म में फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, और ये
सॉइल इरोजन को रोकने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये सॉइल को फर्मली बाउंड करके रखते हैं, जिससे वो एयर के साथ ब्लोन आउट ना हो जाए या वाटर के साथ फ्लो आउट ना हो जाए। और फिर इसका एक और मेन फंक्शन होता है कि कुछ मॉडिफाइड रूट्स होते हैं जो कि फूड को स्टोर करने का काम करते हैं, जैसे टर्निप, रेडिश, कैरेट एटसेट्रा। ओके, देन नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ रूट्स। तो रूट्स जो होती हैं मेनली दो तरह की होती हैं, एक हो गई आपकी टैप रूट एंड सेकेंड इज फाइब्रस रूट। तो टैप रूट क्या होती है, टैप रूट में क्या होता है, एक मेन रूट होती है, देख सकते हैं आप इसमें एक मेन रूट है जिसको हम मेन रूट बोलते हैं। इसमें से सेकेंडरी ब्रांचेस निकली हुई होती है जिनको हम लैटरल रूट्स बोलते हैं। तो ये जो ऐसी रूट जिसमें कि एक मेन रूट है उससे सेकेंडरी ब्रांचेस निकली हुई है जिनको हम लेटरल रूट्स बोलते हैं, तो इस तरह की रूट कहलाती है आपकी टैप रूट। और दूसरी होती है आपकी फाइब्रस रूट। इसमें क्या होता है, कोई मेन रूट नहीं है, सारी रूट्स जो है स्टेम से अराइज होती हुई दिख रही हैं। दिस टाइप ऑफ रूट इज कॉल्ड फाइब्रस रूट। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, टाइप्स ऑफ लीव्स एंड पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।